पूरा दिन बारिश हुआ है, देखो 6 बजे से हो रहा है बारिश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11। जैसे आज बहुत थोड़ा लेट उठा हूँ, मतलब 10 बजे के बाद उठा मैं। जैसे आज मैं कंप्यूटर क्लासेस भी नहीं गया। क्यों नहीं गया, मतलब आप देख सकते हो आज सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है 6 बजे से। कंप्यूटर क्लासेस भी नहीं गया, उसी की वजह से मेरा कंप्यूटर क्लासेस मिस हो गया और जॉगिंग भी मिस हो गया। थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत भूख लग रहा है, वैसा मुझे उठाऊँ लेट इसलिए। जैसे मम्मी इडली और ये चटनी और ये सांभर, आज सुबह का होगा ब्रेकफास्ट मेरा। एक बात दोस्तों, मैं कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लग रहा था व्लॉग में। सिर्फ 4 या 5 मिनट का अंदर मैं बनाऊंगा, ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग को बोर भी ना लगे। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा व्लॉग, सिर्फ 4 या 5 मिनट के अंदर। ओके तो दोस्तों, डन विद ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हो गया मेरा, और थोड़ा बहुत मैं 2-3 घंटा भी गेम खेलूँगा मैं, ताकि उसका भी एडिट हो जाए मेरा। कल का जो प्रीवियस वीडियो था उसको मुझे एडिट करना है, तो उसको कंप्लीट करके मिलते हैं फिर। तो मम्मी अभी गोभी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चला गया अभी। सुबह से बारिश हो रहा है, तो थोड़ा बादल भी बहुत ढक गया है, और आज तो धूप होने के लिए चांस भी नहीं है। आज बाहर जाऊंगा, मुझे कोई मार्केट से कुछ लाना था, वो बारिश की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो थोड़ा मैं थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ, एडिटिंग करने के बाद मिलते हैं। खा रही है, चम्मच में खा रही है। तो दोस्तों, जो मेरा एडिटिंग था अभी तक हुआ नहीं है, और भी बहुत बाकी है, तो उसको कंप्लीट करना है मुझे। वैसे भी पापा घर में नहीं है, स्कूल गए हैं। हाँ, स्कूल में काम करते हैं, तो 1 या 2 बजे आते हैं खाने के लिए तब। तो एक्चुअली ये लाया था मैं बाल में लगाने के लिए, मैं भाई को बोल देता ऑर्डर करने के लिए। तो पहले बहुत ये लगा था मैं, कल मैं लगाया था ये। मुझे शैम्पू लगाएगा, नहाना पड़ेगा, और अभी नहीं लाऊंगा मैं, शाम को नहाऊंगा, क्योंकि सुबह तो उठा नहीं था मैं जॉगिंग के लिए। तो अभी क्या नहाऊंगा मैं, तो थोड़ा फ्रेशअप हो गया था मैं सुबह में, जॉगिंग करूंगा तो ठीक है। कि यहाँ NCC का ट्रेनिंग चल रहा है, तो इसकी वजह से मैं जॉगिंग नहीं जा पा रहा हूँ। जा रहा हूँ तो गेट के बाहर, बारिश हो रहा है, देख सकते हो बहुत बारिश हो रहा है। अभी जैसे दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तब से करंट नहीं है, और तब से करंट ना होने से मैं तब से बैठा था। जो एडिटिंग था वो हो गया, थोड़ा इधर उधर मेरे वीडियोज में कॉपीराइट क्लेम्स आके थे, उसको मैं क्लियर कर दिया। बारिश होना फिर से स्टार्ट हो गया। मैं 4-5 इडली खा लिया था, इडली खाने के बाद ज़्यादा भूख नहीं लग रहा है। तो गेम खेलना था, मैं तो गेम नहीं आज खेला नहीं, गेम में रात को खेलूंगा, रात को 10 बजे बाद, अभी नहीं। तो मम्मी यहाँ बैठ के देख, करंट नहीं था तो इसलिए मम्मी वहाँ टैप लगा के खा के खाना देख रही। अंदर थोड़ा अंधेरा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो दिखा नहीं देगा, तो इसलिए मैं रसोई घर में आया, ताकि थोड़ा रोशनी आ रहा है, तो मेरा फेस निकल काला ना दिखे, तो यहाँ आके मैं खड़ा हो गया। ये यहाँ पे जलेबी रखे थे, देख सकते हो, ये हार 2000 चला थे, एक जलेबी है मैं खाऊंगा। तो दोस्तों, अभी से मैं बैठे बैठे थोड़ा यूट्यूब थोड़ा देख रहा था वीडियोस वगैरह, तो चलो पहले लंच कर लेते हैं, चलेगा अभी जल्दी खा लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट 5 या 4 मतलब ज़्यादा लेट लगाए तो सही नहीं होगा, शाम को कौन जाके खाएगा। तो लंच में मैं चावल और थोड़ा सा दाल, चपाती है, और ये नीचे परोठा है, और ये गोभी का सब्जी, ये मैं खाऊंगा आज का मेरा लंच। तो फटाफट इसको खा लेते हैं, मिलते हैं बाद में। से मतलब हो गया है लगभग 1-2 घंटा, तब से करंट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। यहाँ जैसे 2 प्लग, पर ये लास्ट 2 वाला चलता नहीं है, यहाँ एक बीच वाला चलता नहीं है। जैसे रेड दिख रहा है आपको, ऑन कर लूँगा, चलो हाँ आ गया। तो लंच हो गया मेरा, तो अभी मैं 2 घंटा गेम खेलूँगा, 4 से 6 बजे तक मैं रोज गेम खेलता हूँ, तो 6 बजे के बाद जाकर मिलते हैं। शाम के 5:30 बज रहे हैं, और देख सकते हो कितना जोर से बारिश हो रहा है। बारिश रुक जाएगा 2-3 मिनट के लिए, तो बारिश रुक ही नहीं रहा है। हमारा पापा का गाड़ी रखा हुआ है, पूरा पानी में भीग गया होगा। तो दोस्तों यहाँ देखो, जो हमारे सब सामान लाए हैं, एप्पल है, बीटरूट है, बीन्स है, और ये संतरा है ना, ऑरेंज केला। अब जैसे शाम के 7 बज रहे हैं, 2 घंटा में गेम खेला, गेम खेलने के बाद थोड़ा मैं फ्रेशअप हो गया। यहाँ जैसे लहसुन है, कैप्सिकम, प्याज, और ये जैसे पनीर है, सोया सॉस है, तो कचड़ा हो गया था। पर मेरा शॉर्ट वीडियो होगा यहाँ, तो मैं अपना वीडियो करूँगा अभी। चलो रेसिपी कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। पूरा पनीर बना हुआ है, मेन मसाला जो है वो ये है, और ये तेल गर्म हो रहा है, फिर इसके ऊपर सब प्याज डाल के सब करेंगे। पनीर मंचूरियन का जो रेसिपी था हमारे मम्मी बना रहे थे, तो हो गया तैयार। पनीर मंचूरियन बना चुकी है, लाल लाल दिख रहा है, तो
ये डालने से बहुत टेस्ट लग जाता है ये। तो दोस्तों जो बनी से था वो हो गया तैयार, टेस्ट करके देता हूँ कैसे लगता है। आँख मेरा देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, पनीर चिल्ली का जो मसाला था वो डाल दे तो बहुत टेस्ट हो गया। तो दोस्तों मैं ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, रात को डिनर होगा तो कुछ भी खा के मैं सो जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग को मैं एंड कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा ले लूँगा मैं बोल रहा था, वैसे भी 4-5 मिनट के अंदर ही लूँगा मैं ब्लॉग। आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैंने मम्मी का शॉर्ट्स वीडियो अभी तक देखा नहीं तो जाकर देख लेना, लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर देना इंस्टाग्राम में। हैव अ गाइस, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।